यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बारागहमर गंगा नदी के किनारे युवती का शव मिलने से सनसनी। बारा कोतवाली क्षेत्र गहमर के अंतर्गत स्थानीय गांव के पश्चिम तरफ गंगा नदी के किनारे रविवार की सुबह एक 26 वर्षीय अज्ञात युवती का शव मिलने से सनसनी मच गई। ग्रामीणों द्वारा शव को देखे जाने के बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए अंत्य परीक्षण हेतु जिला चिकित्सालय भेज दिया। जानकारी अनुसार गांव के पश्चिम तरफ गंगा नदी में स्नान करने के लिए लोग जा रहे थे तो किसी की नज़र नदी किनारे पानी में उतरा एक शव पर पड़ी। जब लोगों ने नजदीक जाकर देखा तो वहां एक लड़की का शव पड़ा हुआ था। लोगों द्वारा कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, कोई हत्या तो कोई दुष्कर्म करके हत्या करने का बात कहा जा रहा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर लोगों से शव का शिनाख्त कराने का प्रयास किया, लेकिन उसकी पहचान न हो पाई। युवती गुलाबी कलर का जैकेट और काला रंग का लोवर पहने हुए थी और उसके माथे पर गहरे घाव के निशान थे। कोतवाल आरएस नागर ने बताया कि एक अज्ञात युवती का शव गंगा के किनारे से बरामद हुआ है। मृतका की पहचान नहीं हो पाई है। शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय भेजकर विधिक कार्यवाही की जा रही है। गाजीपुर से नसीम खान की खास रिपोर्ट। सर, थाना क्षेत्र गहमर में नदी किनारे एक महिला का अज्ञात शव मिला है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं सर? आज दिनांक 24 नवंबर 2024 को सिविल नंबर 95 सूचना प्राप्त हुई कि थाना गहमर जनपद गाजीपुर के बारा क्षेत्र में पीपा पुल के किनारे गंगा नदी के किनारे एक शव बहते हुए आया है किनारे पर। उसको स्थानीय पुलिस के और मेरे द्वारा मौके पर जाकर देखा गया तो वहाँ पर एक महिला की बॉडी आई थी। उसकी जो है स्थानीय लोगों से शिनाख्त कराई गई। स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि वह स्थानीय लोग निवासी नहीं है। उसकी शिनाख्त कराई जा रही है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ठीक से सही, धन्यवाद।